Very good morning, students. Today we will study classics geography. ज्योग्राफी में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. इट इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर यू. इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग यूनिवर्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे सोलर सिस्टम क्या है और इसमें हम लोग स्टार्स कॉन्स्टलेशन के बारे में जानेंगे. जो सारी डिटेल्स यहाँ पे हमने लिखा है, जितने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, जिस पर हम लोग आज विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहली बात तो हम लोग ये जान लें कि आसमान में हम लोग अनेक चीज़ों को देखते हैं. इन एनी मैनी ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. वी कैन सी द सन एंड एट नाइट वी कैन सी मून स्टार्स. यहाँ पर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ, सन का निर्माण कैसे हुआ, स्टार्स का निर्माण कैसे हुआ. तो आज हम इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं सेलेस्टियल बॉडीज और हिवेनली बॉडीज क्या है. ये ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट मूव इन द स्काई लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, मेटर्स, एस्ट्रॉइड्स, इटीसी आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज और हिवेनली बॉडीज. जितने भी ऑब्जेक्ट को हम लोग आसमानों में देखते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं. अब आता है यूनिवर्स. यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड. यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ. मोस्ट एस्ट्रोनोमर्स बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो. अधिकतर एस्ट्रोनोमर्स का यह विश्वास है कि इस यूनिवर्स का निर्माण लगभग 15 बिलियन वर्ष एगो हुआ था. कैसे हुआ, तो बिग बैंग के एक्सप्लोजन से. यह एक कॉस्मिक एग है बिग बैंग, जिसके विस्फोट होने से यूनिवर्स का निर्माण हुआ है. जब यह बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था तो यहां से एटॉम्स और इसके बाद मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ. मॉलिक्यूल्स करोड़ों की संख्या में थी और प्रत्येक मॉलिक्यूल्स एक साथ आकर एक विशाल डस्ट पार्टिकल्स और गैसों की मदद से एक विशाल नेबुला का निर्माण किया था. प्रत्येक नेबुला में आकर्षण की क्षमता अत्यधिक थी और इसकी ट्रेमेंडस स्पीड, इसकी जो स्पीड थी वह बहुत अधिक थी, जिस स्पीड के कारण एटॉम्स इस नेबुला की तरफ आकर्षित हुए. इस नेबुला की तरफ आकर्षित होने के कारण इनमें घर्षण उत्पन्न हुआ और जिसके कारण ग्लोइंग बॉडीज स्टार का निर्माण हुआ. नेबुला इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका निर्माण मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने के कारण नेबुला का निर्माण होता है. कई मॉलिक्यूल्स आपस में आकर जुटकर ये नेबुला का निर्माण करते हैं, जिनके निर्माण में डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस ये सभी आपस में मिलकर एक नेबुला का निर्माण करते हैं. इस नेबुला में आकर्षण की क्षमता अत्यधिक होती है, साथ ही साथ इस नेबुला की जो स्पीड होती है वह भी ट्रेमेंडस होती है और आकर्षण क्षमता होने के कारण यह एटॉम्स को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है और एटॉम्स तीव्र रफ्तार से नेबुला की तरफ आकर्षित होती हैं और जब ये नेबुला के संपर्क में आता है तो यहाँ से ग्लोइंग बॉडीज
का निर्माण होता है जिससे स्टार्स का बर्थ होता है, स्टार्स का जन्म होता है। यह स्टार्स किस प्रकार से आई अस्तित्व में हमारे यूनिवर्स में, यह हमने नेबुला और एटॉम्स के आकर्षण के कारण यह इनका जन्म होता है। मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर, करोड़ों की संख्या में स्टार्स आपस में मिलकर यह गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। अब हम लोग चले आए स्टार्स और कॉन्स्टलेशन के ऊपर, जहां आपको बताया गया मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर मेक ए गैलेक्सी एंड सेवरल गैलेक्सी टुगेदर फॉर्म यूनिवर्स। क्या समझा आपने? मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म ए गैलेक्सी एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सी टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग स्टार्स। यूनिवर्स में लगातार स्टार्स का फॉर्मेशन होता रहता है, स्टार्स लगातार बॉर्न होते रहते हैं। यूनिवर्स में स्टार्स की संख्या लगातार उसमें बढ़ता रहता है। अब हम यहां देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम, हमारा जो सन है, वह मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। आकाशगंगा गैलेक्सी से बिलोंग करती है हमारी सोलर सिस्टम। अब हम लोग जानते हैं और थोड़ा विस्तार से स्टार्स के बारे में। सेलेस्टियल बॉडीज विच प्रोड्यूस इट्स ऑन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स। वह सेलेस्टियल बॉडीज जो अपना हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, इसे हम स्टार्स कहते हैं। ईच स्टार हैज ह्यूज मासेस ऑफ गैस। प्रत्येक स्टार्स जो होते हैं विशाल गैस का गोला है, बर्निंग गैस का गोला है, जो अत्यधिक हीट उत्पन्न करता है और एक विशाल है। हम लोग जिस सन को देखते हैं जो हमें बड़ा दिखता है, यह स्टार उस सन से भी कई गुना बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को यह बहुत ही टीनी दिखाई पड़ता है। इसका मेन रीजन है स्टार्स आर वेरी वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, सो दे लुक वेरी टीनी। दे जब हम लोग रात में इस स्टार्स को देखते हैं तो यह हमें ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है, टिमटिमाता हुआ दिखता है। इसका मेन रीजन क्या है कि जब यह स्टार्स का जो प्रकाश है वह हम तक पहुंचने में यह कई एयर के लेयर से होकर गुजरता है, जिसके कारण यह हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अब हम लोग जानते हैं कॉन्स्टलेशन के बारे में। जब हम लोग रात में स्टार्स को देखते हैं तो स्टार्स के कई ग्रुप को हम लोग देख पाते हैं, जिस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशन। कई ऐसे कॉन्स्टलेशन हैं जिनमें अरसा मेजर और ग्रेट बियर आता है, जिन्हें हम लोग सप्तर्षि भी कहते हैं। इसे आप बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, जैसा कि इसका नाम है सप्तऋषि, अर्थात ये सेवन स्टार्स का ग्रुप है, जिसके टू स्टार्स ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्शन नॉर्थ की ओर होता है। यह हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंगित करता है। हम आसानी से इसे खोज सकते हैं जब आसमान रात में क्लियर हो और आप हल्का नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको एक साथ सेवन स्टार्स प्रतीत होते हैं, जो एक विशाल बड़े से स्पून के समान प्रतीत होता है। और इसका लास्ट का जो दो स्टार्स होते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंगित करते हैं, जिसे हम लोग अरसा मेजर या सप्तर्षि कहते हैं। इन्हें हम लोग ग्रेट बियर भी कहते हैं या इन्हें हम लोग नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं सोलर सिस्टम की तरफ। सोलर यह एक सॉल है वर्ड, जो लैटिन वर्ड से लिया गया है, सॉल SOL सॉल, विच मीन्स जिसका मतलब होता है लैटिन वर्ड में सन। और इस प्रकार सोलर मीन्स हो गया बिलोंगिंग टू द सन, सन से बिलोंगिंग होने वाले, सन से संबंधित, जिसमें शामिल हो गए प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटोर्स। These are together called solar system. Sun is the center of the solar system and all planets including meteors and asteroids revolve around the sun, thus form the solar system.
अब हम लोग इस सोलर सिस्टम में थोड़ा सन के बारे में विस्तार से जान लें। लाइक स्टार्स द सन इज ऑल्सो ए बिग बॉल ऑफ फायर। दे आर नॉट वेरी फार लाइक द सन, जितना हमारा स्टार्स दूर है सन उतना दूर नहीं है, थोड़ा सा निकट है, जिसके कारण यह सन हमें थोड़ा बिग दिखाई पड़ता है, बड़ा दिखाई पड़ता है, और इस सन का प्रकाश हम तक पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाता है, जिसके कारण हमारी अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, हमारी प्लैनेट अर्थ के ऊपर जीवन संभव होता है। सन के ऊपर सतह पर जो टेम्परेचर है वह लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सन के ऊपर में। पृथ्वी से सन की जो दूरी है वह लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसके कारण हम लोगों के पृथ्वी पर एक निश्चित अमाउंट में सन रेज प्राप्त होता है, जिसके कारण जीवन संभव है। यह था सन, जिसके बारे में हम लोग जाना सोलर सिस्टम में। अब हम लोग देखते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वांडरर। प्लैनेट ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग वांडरर होता है, भटकने वाला होता है, मूव करने वाला होता है। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स सन की परिक्रमा करते हैं। अब हम जरा नजर डाल लें ये प्लैनेट्स हैं कौन कौन। तो सबसे पहला प्लैनेट जो नियरेस्ट है सन के, सबसे निकट है, वह प्लैनेट मरकरी आता है। सबसे पहला प्लैनेट मरकरी, इसके बाद दूरी के अनुसार से हम बढ़ते चलते हैं तो मरकरी, आफ्टर मरकरी इज वेनस। आवर अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मरकरी एंड वेनस, देन द थर्ड प्लैनेट इज द अर्थ। इसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून आता है, जिसे हम फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन नेपच्यून को कहते हैं, और नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन इज मरकरी। अब अगर हम देखें कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है तो मरकरी सन के सबसे निकट है, लेकिन मरकरी हॉटेस्ट नहीं है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन हो जाएगा? वेनस। सेकंड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज वेनस एंड वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हम लोग थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस कर लें। ये प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स इज ए हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इट हैज नो इट्स ऑन हीट एंड लाइट, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। प्लैनेट बताया गया जैसा कि यह वांडरर है, मूव करता है, प्लैनेट सन की परिक्रमा करता है, इसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं है, यह सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसे हम लोग प्लैनेट कहते हैं। अब हम लोग यहां पर प्लैनेट को दो भागों में बांट रहे हैं। इस प्लैनेट को हम दो भागों में बांटते हैं। एक आ गया इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट। इसमें कौन कौन सा प्लैनेट आता है? तो ऊपर से जो पहला प्लैनेट, चार जो ऊपर से फोर प्लैनेट हैं, जिनमें है मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। दीज फोर प्लैनेट्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, दीज फोर प्लैनेट्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट्स। इसमें बाद के जो चार प्लैनेट आते हैं उन्हें हम लोग आउटर प्लैनेट कहते हैं, जिनमें शामिल हो जाएगा सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
दीज फोर प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। अब ये क्वेश्चन उठता है, आपके भी मन में क्वेश्चन उठता होगा कि इन्हें हम इनर प्लैनेट्स क्यों कहते हैं। तो इन्हें हम बता दें, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट बिकॉज दे आर फॉर्म्ड द रॉकी। ये चट्टान से बने हुए हैं जिनके कारण इन्हें हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं। जहां ये तीसरा प्लैनेट हमारा अर्थ आता है, यह एक रॉक है, चट्टान से बना हुआ है, जिस पर हम लोग पॉपुलेशन रहती है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। अब आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दे आर फॉर्म्ड बाय द जाइंट गैसेस। गैस से इनका निर्माण हुआ है, जिनके कारण इन्हें हम लोग आउटर प्लैनेट कहते हैं। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आगे अगले दिनों हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें रोटेशन, रिवोल्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर सैटेलाइट्स और मून के बारे में भी हम लोग विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।